तो हे गाइस, कंप्यूटर्स नॉलेज की सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं आर्निंग प्लानर। फ्रेंड्स, कंप्यूटर्स नॉलेज की सीरीज का एपिसोड 1 है, जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप अपना खुद का एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर खरीदने के लिए बाजार में या फिर मार्केट में जाते हो, तो आप ये किस तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कंप्यूटर या लैपटॉप आपके लिए सूटेबल रहने वाला है, आपके बजट में कौन सा लैपटॉप आपके लिए परफॉर्मेंस में अच्छा रहने वाला है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए पूरी की पूरी एक सीरीज लेकर के आया हूँ। इस सीरीज के अंदर मैं आपको जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो अगर आपके मन में इसी तरीके के सवाल आते हैं तो आज की ये वीडियो आपको कम्प्लीटली देखनी, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए है। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, अगर आपने उसके ऊपर क्लिक नहीं किया तो उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम कोई कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में जाते समय हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हम कौन सा लैपटॉप लें। हम ज़्यादातर कहीं किसी की कही सुनी बात पर यकीन करके वो ब्रांड ले लेते हैं, जबकि उसकी आपको नीड भी नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि उनको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए लैपटॉप की, लेकिन वो लोग क्या करते हैं उससे कम परफॉर्मेंस का लैपटॉप ले लेते हैं, फिर बाद में वो पछताते हैं कि यार हमने पैसे भी खर्च करे और हमारे पास में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जो उस रेंज का नहीं आया। या फिर कुछ लोगों को कम रेंज का लैपटॉप या फिर कंप्यूटर ही चाहिए होता है, लेकिन अदर जो लोग होते हैं या फिर दुकानदार की बात सुन करके वो लोग क्या करते हैं वो ज़्यादा हाई रेंज का कंप्यूटर या लैपटॉप ले लेते हैं, जबकि उनको इस चीज़ की नीड थी भी नहीं, बेफालतू के अंदर उन्होंने पैसे जो यहाँ पर वेस्ट करे। या फिर इन सभी से अटकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं कि कौन सा लैपटॉप सुटेबल रहेगा इस काम के लिए, इस काम के लिए, इस तरीके की रिसर्च जो है वो करते रहते हैं, और वो जो है उस लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को लेकर के आ जाते हैं किस बेसिस पर, दूसरों की कही सुनी बातों के ऊपर। इससे अच्छा ये होगा कि आप खुद ही इस चीज़ की नॉलेज रखें कि कौन सा कंप्यूटर किस काम के लिए सुटेबल है, उसकी कितनी प्राइस होनी चाहिए। इस तरीके के जो इन्फॉर्मेशन होती है, कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, लैपटॉप्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। हो सकता है इन फ्यूचर आपके फ्रेंड्स या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं वो कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस करने के लिए जाए, तो उन्हें आप एडवाइस दे सको कि आपको ये वाला कंप्यूटर लेना चाहिए, आपको ये वाला कंप्यूटर नहीं लेना चाहिए। तो बात आती है कि जो नॉलेज है कंप्यूटर की पूरी नॉलेज हम कहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ, अगर आपको कंप्यूटर की फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये बेसिक वाली, जिससे आप अगर परचेस करने के लिए जाए कंप्यूटर तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो, या फिर अगर आप खुद का कोई पीसी बिल्ड करवा रहे हैं जिस जो कि गेमिंग पीसी हो सकता है, या फिर कोई लैपटॉप आप ले रहे हैं, तो उसके लिए आप खुद का एक माइंडसेट रेडी कर सके कि हाँ मुझे इस तरीके का इस प्राइस रेंज में ये वाला लैपटॉप या फिर पीसी बिल्ड करवाना चाहिए, लैपटॉप लेना चाहिए। तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए यहाँ पर हमने एक सीरीज स्टार्ट करी, जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज सीरीज। अगर आपको इस सीरीज के बारे में नहीं पता तो सीरीज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप वहाँ पर जाकर के उस सीरीज के ऊपर जा सकते हैं। बेसिकली वो एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वो भी एपिसोड वाइज। तो आपको कंफ्यूजन होने की भी जरूरत नहीं है कि आपको कहाँ से कोई नॉलेज लेनी है। आपको मैं बेसिक से लेकर के एडवांस पर लेकर के जाने वाला हूँ, एपिसोड 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको एपिसोड्स को देखना है। और यहाँ पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे ही आप ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे, तो प्लेलिस्ट कंप्लीट कर देने के बाद में आपको जो नॉलेज होगी, उस नॉलेज के बेसिस पर आप खुद ही नहीं, आप दूसरों को भी कंप्यूटर, पीसी या फिर लैपटॉप को रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप भी हमारी तरह इस सीरीज को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, इस वीडियो के नीचे जो प्लेलिस्ट है उसको सेव कर लीजिए, या फिर उस प्लेलिस्ट पर जाकर के उन वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।